एडवोकेट यानी वकील ने नीलम को कहा मलेशका को पुलिस स्टेशन ले जाने के लिए, और वकील करेगा मलेशका से पूछताछ और मलेशका की सच्चाई आएगी वकील के सामने। जी हाँ दोस्तों, भाग्य लक्ष्मी के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब ऋषि और लक्ष्मी पारो को ढूंढने के लिए घर से निकल जाएंगे, तभी घर के अंदर वकील नीलम को कहेगा कि नीलम जी हमें आपसे एक रिक्वेस्ट करनी थी, मलेशका को अब हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा, और आपको बता दे कि एक पत्नी कभी भी अपने पति को किसी और औरत के साथ शेयर करना पसंद नहीं करेगी, तो ये मामला बहुत ज्यादा गंभीर है और आप कह रही हैं कि पारो को लक्ष्मी ने किडनैप करवाया है, लेकिन एक माँ अपनी बेटी के साथ ऐसा नहीं कर सकती है, इसलिए बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये सारा काम और किसी का नहीं बल्कि मलेशका का हो सकता है, इसलिए हमें मलेशका को कस्टडी में लेना होगा और मलेशका को हमारे साथ पुलिस स्टेशन आना होगा। यह सुनकर तभी मलेशका को काफी बड़ा झटका लगेगा और नीलम यह वकील के फैसले पर कुछ बोल नहीं पाएगी, और नीलम वकील को कहेगी कि ठीक है आप ले जा सकते हैं मलेशका को, लेकिन आप मलेशका से सिर्फ पुलिस स्टेशन में पूछताछ ही कर सकते हैं, मलेशका को जेल मत भेजिएगा। तभी वकील कहेगा अगर मलेशका का गुनाह साबित होता है तो हमें इन्हें जेल भेजना होगा, तब आप जानिए और आगे कोर्ट जानेगा। जैसे सुनकर तभी नीलम के होश उड़ जाएंगे और वकील मलेशका को कस्टडी में लेने के लिए पुलिस स्टेशन में मलेशका को ले आएगा, जहाँ पर पुलिस स्टेशन में ऋषि और लक्ष्मी पारो को ढूंढने के लिए पुलिस स्टेशन में अपनी कंप्लेन लिखवाने के लिए आएंगे। तभी ऋषि और लक्ष्मी की पुलिस स्टेशन में बहस हो जाएगी, जहाँ पर ऋषि लक्ष्मी को कहेगा कि लक्ष्मी तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तभी लक्ष्मी कहेगी मैं यहाँ पर तुम्हारी कंप्लेन करने आई हूँ, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों आए हो, तभी ऋषि कहेगा मैं भी तुम्हारी कंप्लेन करने आया हूँ क्योंकि तुमने मेरी बेटी पारो का किडनैप किया है और मेरे पास सबूत है, तभी लक्ष्मी कहेगी मेरे पास भी सबूत है, मलेशका तुम्हारे साथ मिली हुई है, मलेशका ने मेरी बेटी पारो का किडनैप करवाया है। यह सुनकर तभी आयुष पुलिस स्टेशन में दोनों को चुप करवाएगा और आयुष ऋषि लक्ष्मी से हाथ जोड़ते हुए कहेगा बस आप चुप रहिए, प्लीज अब तो झगड़ा बंद कर दीजिए, आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा, आप दोनों में से किसी ने नहीं किया ये काम, किसी तीसरे का है। यह सुनकर तभी ऋषि लक्ष्मी दोनों चुप हो जाएंगे और पारो पुलिस की रस्सी खोलकर बलविंदर के चंगुल से भाग जाएगी, और मलेशका का सच सबके सामने आना चाहिए क्या नहीं, और आप ऋषि लक्ष्मी को एक होते हुए देखना चाहते हैं क्या, फिर ऋषि लक्ष्मी को झगड़ा करता हुआ देखना पसंद करते हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं, और आप प्लीज इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।